हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है डी वाटर चैप्टर को लेकर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और साथ में ये भी कहूंगा कि इस वीडियो से पहले जो दो वीडियो आपको दे चुका हूँ उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कि विलियम डगलस के साथ कुछ एक मिस एडवेंचर हुआ पूल में, लेकिन फिर भी वो इस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करना चाहता है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न था कि उसको ये था कि मुझे जो है पानी का डर तो निकालना ही है, ऐसा क्या रीज़न था? तो यहाँ पर जो आंसर मैंने दिया है वो है, द नरेटर वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एज ही कुड नॉट इन्जॉय एनी ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स एज ही हैड इन्जॉयड अर्लियर। तो ये आपको पता ही होगा कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि उनके मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स होते हैं वो वाटर से रिलेटेड होते हैं, तो वो विलियम डगलस को मिस नहीं करने थे। जब भी कभी ऐसा होता था कहीं कैस्केडीज के या जो रिवर के या कहीं पर भी पूल के किनारे जाता, उसे लगता था कि नहीं, आई मस्ट इन्जॉय ईच वाटर स्पोर्ट, और वो तभी पॉसिबल था अगर वो अपने पानी के डर को दूर निकाल पाता। हिज फियर ऑफ वाटर नॉट ओनली केप्ट हिम अवे फ्रॉम द पूल बट फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक कनोइंग, बोटिंग एंड फिशिंग। ये कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो वो इन्जॉय किया करता था पहले। इनफैक्ट ये कहेंगे पहले तो कैसे होगा कि उसने लोगों को इन्जॉय करते देखा था और वो चाहता था कि ये लोग इन्जॉय करते हैं तो मैं भी इन्जॉय करूं। बट जो उसके साथ इंसिडेंट 4 ईयर्स की एज में कैलिफोर्निया बीच पे हुआ, या फिर 10 और 11 ईयर की एज में जब वो पूल के किनारे जाता है तो तब उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो इसलिए वो डर जाता है थोड़ा सा, बट उसको ओवरकम करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो इससे पहले कि आंसर आपके साथ डिस्कस करूं, ये भी कहूंगा कि इसी वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल रहे हैं या मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनकी पीडीएफ फॉर्म भी आपको दूंगा और उनका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो की। तो क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाया। यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, तो कैसे उसने स्विमर बनाया, ऐसा क्या किया, क्या जादू किया उसने। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ट एन इंजीनियस, जो इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवरली, बड़े अच्छे तरीके से जो तैयार किया हुआ एक डिवाइस था कंसिस्टिंग ऑफ ए रोप एंड अ पुली। पुली क्या होती है, जो एक व्हील सी होती है जो एक वायर के ऊपर घूमती है, और रोप रस्सी होती है। तो टू टीच डगलस हाउ टू स्विम एट द सेम टाइम डिस्पेलिंग, डिस्पेलिंग का मतलब क्या होता है, अपने फियर को दूर करना, यानी डर को दूर करना, ड्राइव अवे हिज फियर ऑफ वाटर, दोनों चीज़ें। वो उसके जो इंस्ट्रक्टर ने एक ऐसा इन्वेंशन किया था, सपोज पूल के दोनों किनारों पे एक पोल लगा दिया, उसके ऊपर एक वायर टाई कर दी, और उसके ऊपर जो है पुली के साथ जो रोप टाई की हुई थी, एक हुक विलियम डगलस की बेस पे टाई होता था तो दूसरा बाहर। उससे क्या होता था, विलियम डगलस जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता था कि अगर मैं बाई चांस कुछ ऐसा होता भी है तो अपने आप को सेव कर लूँगा, बाहर आ जाऊँगा। क्योंकि जब पहले वाला इंसिडेंट हुआ था जिसके लिए ये चैप्टर जो है बहुत फेमस है, कि एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट लगाने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कर पाता तो एंड में हार मान ही जाता है, वो तो बाय चांस वो बच गया और इतना हो गया कि उसने आपको एक स्टोरी लिख के दे दी अपनी लाइफ की। तो वो कहता है कि देखो, वो उसको उसके डर को भी दूर करना चाहता है और उसको स्विमिंग सिखाना चाहता है। तो ही ऑल्सो मेड हिम प्रैक्टिस पुटिंग हिज हेड अंडर वाटर एंड किकिंग हिज लेग्स बाय द साइड ऑफ द पूल। दोनों ही चीज़ें थी कि अपनी लेग्स को भी किक करता रहे पूल के साइड पे और अपना हेड भी जो है पानी के अंदर डाले। तो दस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 7 मंथ्स ही वॉज एबल टू मेक अ स्विमर आउट ऑफ हिम। तो फाइनली उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको एक स्विमर बना ही दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज़ अ मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन से मिस एडवेंचर की बात करें, तो हम वही मिस एडवेंचर यहाँ पर लेंगे जहाँ पर उसकी लाइफ को डेंजर था, और वो है पूल के अंदर। कैलिफोर्निया बीच वाला नहीं ले सकते हम। तो द मिस एडवेंचर इज द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ द नैरेटर बीइंग थ्रोन इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल बाय अ बॉय ऑफ 18, जो कि 18 साल के बच्चे ने उसको पानी में फेंका था, उस इंसिडेंट की बात की गई है। द नैरेटर डिड नॉट नो हाउ टू स्विम एंड वॉज टेकन बाय सरप्राइज। उसको ये नहीं मालूम था कि कैसे स्विम करे और वो बहुत हैरान हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, वट इज़ दिस रेफरेंस टू। अब यहाँ पर ये देखिए कि उसने एक लाइन बोली है, क्यों ये इस कंडीशन में था कि वो बच नहीं पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, तो वो कहता है कि द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, तो इसका क्या रेफरेंस है। सो दिस इज़ ए रेफरेंस टू द फैक्ट दैट आफ्टर हिज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉनिंग सीम टू फेल, ऐसा लग रहा था कि शायद अब फेल होने वाला था सब कुछ,
उसके पास चांस नहीं था। ही सीज टू ट्राई, उसने अपने सभी एफर्ट्स करने बंद कर दिए अपने आप को बचाने के, एंड फेल इन टू अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एंड दिस स्टेट ऑफ ओब्लिवियन वॉज ए ब्लेसिंग, बट ये जो एक स्टेट थी ओब्लिवियन वाली, यानी ओब्लिवियन क्या होता है, जब आप सब कुछ भूल जाते हैं, यू आर नॉट वरीड अबाउट योर लाइफ, तो ये उसके लिए ब्लेसिंग प्रूव हुई। अ बॉय हु वॉज अनअवेयर दैट डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम हैड पुश्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। अब यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि हाउ डिड दिस हैपन, यानी डगलस के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ था, क्योंकि एक 18 साल के बच्चे ने उसको पानी के डीप एंड में, जो कि 9 फीट के आसपास था और शैलो एंड था 2 to 3 feet, तो वहाँ पर पानी में फेंक दिया था, ये इसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस ऑफ नियरली ड्राउनिंग इन द पूल एंड व्हाट वाज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको इमीडिएट इफेक्ट भी बताना है, इसके साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बताना है। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ, ये तो आप भी सोच सकते हैं कि जो उसी टाइम आपकी बॉडी के ऊपर हुआ, यानी बहुत वीक महसूस कर रहे थे। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्या होगा कि वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय नहीं कर पा रहा था, ये उसके माइंड में चल रहा था। तो यहाँ पर हम कहेंगे द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ डगलस नियरली ड्राउनिंग इन द पूल वर दैट ही वॉज सिक, कुड नॉट ईट दैट नाइट एंड वॉज वीक इन द नीज, और उसको घुटनों में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, कुछ खा नहीं पा रहा था। He was overcome with a fear, वो पानी वो डर से भर गया था इनफैक्ट, एंड दैट हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स टू कम, एंड ही ड्रेडिड गोइंग नियर वाटर, उसको पानी के पास जाने से भी अब डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट, वट डज दिस रेफर टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डगलस ने बोला कि इंस्ट्रक्टर तो फिनिश हो गया था बट आई वॉज नॉट, लेकिन मैं अभी फिनिश नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उसको लग रहा था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्टर ने जो मुझे 7 month की ट्रेनिंग देनी थी वो दे दी है, दैट इज इनफ, बट स्टिल आई हैव टू प्रैक्टिस मोर, अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। तो द इंस्ट्रक्टर वॉक विद डगलस फॉर 7 months फॉर टीचिंग हिम हाउ टू स्विम इन द पूल, एंड इवन दो द इंस्ट्रक्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही हैड मेड अ स्विमर आउट ऑफ हिम, डगलस वॉज स्टिल फियरफुल ऑफ वाटर। कई बार ऐसा होता था पानी का डर उसके मन में आ जाता था, एंड दिस लेड हिम टू प्रैक्टिस ऑन हिज ऑन इन द पूल्स एंड इन लेक्स टिल ऑल फियर हैड डिसअपीयर्ड, और जब तक उसका सारा का सारा डर दूर नहीं हुआ तो वो लेक्स में भी अपने आप स्विमिंग करता रहता था और पूल में भी करता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस सेज द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, व्हाट डस ही मीन बाय दिस, कहता है इस एक्सपीरियंस का बड़ा गहरा मतलब है मेरे लिए और क्या हो सकता है वो। तो ये क्वेश्चन है मेरा, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, डगलस ने ऐसा क्यों बोला। बाय दिस डगलस मीन्स दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड नॉट जस्ट द सेंसेशन ऑफ डाइंग बट ऑल्सो द टेरर दैट द फियर ऑफ डेथ कैन प्रोड्यूस। अब वो कहता है कि जो एक डर जो है उसके माइंड में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, मरने का डर भी पैदा हो गया था, सेंसेशन ऑफ डाइंग भी उसने फील की और उसका जो डर है वो भी फील किया, तो दिस हैड इंटेंसिफाइड हिज विल टू लिव, लेकिन इसके बाद उसको लगा कि नहीं, जीने की चाह कहीं ना कहीं मेरे मन में जगी, उसको लगा कि मुझे जीना चाहिए। ही हैड अंडरस्टूड दैट डेथ इटसेल्फ वॉज पीस एंड द टेरर दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड वॉज फियर ऑफ डेथ एंड इट वॉज दिस फियर ही हैड फाइनली कॉन्कर्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, इसने एक लाइन बोली है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कहते जब तक हम किसी चीज़ से डरेंगे ना वो हमें डराएगी। तो डेथ भी आपको तब तक डराती है जब आप डरते चले जाते हैं, लेकिन डेथ में भी पीस है, वो ये बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो एक्सपीरियंस है इसका पूरा मीनिंग है, मुझे लाइफ की भी इंपॉर्टेंस पता चल गई, मुझे डेथ के बारे में भी पता चल गया कि डेथ भी अपनी जगह पे होनी चाहिए या नेचुरल है वो। बट यहाँ कहेंगे कि डगलस के केस में ये नेचुरल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थॉट्स ऑफ रूजवेल्ट डीपली इम्पैक्टेड डगलस एंड हाउ डिड द थॉट्स अप्लाई टू हिज लाइफ। अब देखिए ऐसी कौन सी थॉट्स हैं जो रूजवेल्ट ने बोली हैं और वो डगलस को डीपली इम्पैक्ट करती हैं या उसका इफेक्ट उसके ऊपर हुआ। तो रूजवेल्ट हैड सेड दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो यही बात मैं आपसे कर रहा था कि हम डर से जितना डरेंगे डर उतना हमें डराता है। तो डगलस हैड एक्सपीरियंस नॉट ओनली द सेंसेशन ऑफ डाइंग इन द पूल बट ही हैड फेल्ट द टेरर जनरेटेड बाय द फियर ऑफ डेथ एंड ही न्यू दैट इट वॉज दिस फियर दैट ही हैड टू कॉन्कर। और उसे इस बात का एहसास था कि यही वो डर है जिसको उसे कंट्रोल करना है, काबू पाना है। एंड ये बात भी श्योर है, ही न्यू दैट इट वॉज दिस फियर दैट ही हैड टू कॉन्कर एंड ऑल हिज एफर्ट्स हैड बीन इन दिस डायरेक्शन। तो ही फेल्ट लिबरेटेड वंस ही ओवरकेम दिस फियर, और उसने अपने आप को लिबरेटेड महसूस किया, फ्री महसूस किया जब उसने इस फियर को काबू कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिस्क्राइब
डगलस डाउनवर्ड जर्नी। अब डगलस की डाउनवर्ड जर्नी बतानी है, बॉटम की तरफ जब चार है वो सेकंड टाइम, तो क्या उसकी जर्नी थी, क्या उसने महसूस किया। तो डगलस डाउनवर्ड जर्नी फॉर द सेकंड टाइम वाज ए नाइटमेरिश एक्सपीरियंस, कहते जैसे बुरा सपना होता है ना वैसा था उसके लिए। विद लेग्स ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, एकिंग लंग्स, उसके लंग्स में पेन हो रहा है, लेग्स पैरालाइज्ड हो चुकी है, मूव नहीं कर पा रही थी, एंड थ्रॉबिंग हेड। और थ्रॉबिंग इसलिए बोला गया कि जैसे ना उसके हेड में पंपिंग, उसको फील हो रहा था कि स्टिल मैं अलाइव हूँ, सिर्फ हेड में ऐसा महसूस हो रहा था। तो डगलस फेल्ट सुफोकेटेड। सुफोकेटेड क्या होता है, जब उसका दम घुट रहा था, महसूस हो रहा था उसे। आ रिलेंटलेस पुल ऑफ द वाटर एब्सोल्युटली टेरराइज्ड हिम, और पानी का जो पुल है खींचना उसको अपनी तरफ, वो उसको बहुत ज़्यादा डरा देता है। तो येट ही मैनेज टू रिमेंबर टू जंप विद ऑल इज माइट टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द पूल, फिर भी उसको याद था कि मुझे पूरे एफर्ट्स के साथ जंप करना है, पूल की तरफ आना है, किनारे की तरफ आना है। तो वट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट डगलस इज ए यंग बॉय फ्रॉम द मिस एडवेंचर, ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है। वट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डगलस एज ए यंग बॉय, जो कि उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ। तो डगलस वॉज ए वेरी थिनी बियर्ड। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा बड़ा पतला सा, दुबला पतला सा था, 11 ईयर्स का था, एडवेंचरस बाई नेचर। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एंड सम हाउ ही गॉट ओवर हिज कॉम्प्लेक्स ऑफ हैविंग स्किनी लेग्स। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कहता है कि देखो मुझे किसी के सामने कपड़े उतार के बैठना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी कहता है कि आई सबड्यूड दैट फियर, इस चीज़ को, अपनी इस प्राइड को भी सबड्यूड किया मैंने कि नहीं नहीं स्विमिंग करनी है तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे। तो इसके अलावा ही हैड कमेंडेबल प्रेजेंस ऑफ माइंड विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेटेड क्या होता है, डरा हुआ, बिना डरे हुए। बाय मिस एडवेंचर ही ट्राई टू मैनेज इट एज वेल एज ही कुड, और जितने भी कोशिश हो सकती थी तो ये तो उसने किया। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही हार मान ली, एटलीस्ट उसने तीन एफर्ट्स तो किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। डिस्क्राइब द बिग ब्रुइजर हु प्लंज डगलस इनटू द पूल। अब आपको उस लड़के को डिस्क्राइब करना है, तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि एक फिजिकल स्पेसिमेन है, अच्छी बॉडी है, वेल बिल्ड बॉडी है, 18 ईयर्स का है, और अपनी तरफ से उसने सिर्फ एक मजाक करने के लिए ऐसा किया था, बट ही नेवर न्यू कि डगलस को स्विमिंग नहीं आती थी। तो यहाँ दिया है, द ब्रिक प्रेजर ऑफ ए बॉय हु टोस्ट लिटिल डगलस इन टू द पूल हैड ए हेयरी चेस्ट। उसकी चेस्ट के बारे में बता रखा है कि बड़े सारे बाल थे, उसकी चेस्ट पे रिपलिंग मसल्स, और उसके जो मसल्स थोड़े टाइट वाले थे, एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज इम्प्रेसिव फिजिक। उसको अपने फिजिक का भी बहुत घमंड था, हम कह सकते हैं कि प्राउड था उसे। एंड दिस इनकंसिडरेट एंड इरिस्पॉन्सिबल बॉय फूलिशली थ्रू डगलस इनटू द पूल आउट ऑफ शीयर फन, सिर्फ फन के लिए उसने ऐसा किया था, एंड टू मॉक एट हिज अंडर डेवलप्ड मसल्स, या फिर उसका मजाक उड़ाने के लिए कि जैसे वो दुबला पतला था। तो उसकी इंटेंशन उसको ज़्यादा हार्म करने की नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली हार्म हो ही जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरेटिव डी वाटर इज ए सागा ऑफ प्रिजिवरेंस एंड करेज। अब देखिए ये कहानी जो है प्रिजिवरेंस और करेज की है, ये आपको डिस्क्राइब करना है, और फुल लेंथ यानी लॉन्ग क्वेश्चन है मेरा ये। इसमें आप पूरी की पूरी कहानी लिख सकते हैं डगलस की, उसने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड वेयर इट एंडेड, और क्या कुछ चेंज आया। यानी व्हेन द ऑथर वॉज फ्लंग इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल ही वॉज ओवरकम विद फियर, बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज नॉट द इनकैपेसिटेटिंग यानी मेक जो उसको इनकैपेबल बनाता, फियर दैट इट टर्न इन टू फियर, और या फिर ये बाद में जो है इसमें डर में कन्वर्ट होता है, या फिर ये कहें कि ही वॉज एबल टू थिंक रेशनली एंड प्लान दैट ही वुड जंप एट अप एज सुन एज ही हैड हिट द बॉटम ऑफ द पूल। तो उसे ये लगा कि शायद मैं जैसे ही पूल को बॉटम को टच करूँगा तो जंप करूँगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, तीनों डिस्क्राइब करनी है, और फिर इसके बाद चाहे वो वीक महसूस कर रहा था, इवन देन ही वॉज विलिंग टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और फाइनली उसने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिसने उसे 5 डे की ट्रेनिंग दी, 1 आवर एवरी डे उसको ट्रेन किया, एंड देन ही वॉज फाइनली एबल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें देना है और ये आपको फुल मार्क्स देगा। अब आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चंस के जो आंसर वो आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और फुल ऑन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।